रितेश अग्रवाल जो कि भारत के यंगेस्ट बिलियनियर युवा अरबपति हैं। रितेश अग्रवाल ने कहा था कि शुरुआती दिनों में लगभग 80% उद्यम पूंजीपतियों ने उनके कंपनी को खारिज कर दिया। कहा कि ऐसा कुछ बिजनेस हो ही नहीं सकता, पर आज ओयो रूम्स पूरी दुनिया भर में एक ब्रांड बन चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि 17 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़कर रितेश अग्रवाल ने जिस कंपनी को बनाया वो आज करोड़ों रुपया का टर्नओवर कर चुका है। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के एक छोटे से शहर इसम कटक में हुआ था। रितेश अग्रवाल ओयो रूम को शुरू करने से पहले 2012 में ट्रेवल एस्टेट नामक एक ऑनलाइन रूम बुकिंग कंपनी शुरू किया था। रितेश का यह आइडिया इतना यूनिक था कि उससे इम्प्रेस होकर गुड़गांव के मनीष सिन्हा ओरेवल में इन्वेस्ट किया और जल्द ही को फाउंडर बन गए। ताकि इनकी कंपनी ओरेवल शुरुआती दिनों में तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में इनको कुछ परेशानियां, कुछ खराब परफॉर्मेंस सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इस कंपनी को बंद कर कुछ नया तकनीक न्यू आइडिया के तहत इसी कंपनी को नया नाम देकर शुरू किया। इसका नाम था ओयो रूम्स। ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल ग्लोबल रिच लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। इस लिस्ट के अनुसार अग्रवाल दुनिया के सबसे युवा अरबपति हैं। इनकी सफलता सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 24 साल की उम्र में ही रितेश अग्रवाल के पास 7800 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी थी। रितेश अग्रवाल पूरी दुनिया में यंगेस्ट बिलियनियर यूथ आइकन बनकर उभर चुके हैं। रितेश अग्रवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। और फेमटेज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल मस्त कंटेंट के लिए फेमटेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।